ओ सिंधो शांति रखो दो मिनट की गल है पर्दा चक लो पर्दा चक लो सो पहला सवाल साडे मन च जिहड़ा होना चाहीदा ओह है कि बंदी सिंह जिहड़े है ओह बंदी बने क्यों क्यों उन्हां नूं जिंदगियां छड्ड के चंगियां भलियां सुख आराम दियां कोई पुलिस दी नौकरी करदा सी किसे दी चंगी भली पैड़ी सी घर बार सी ओह अपणियां जिंदगियां छड्ड के सुख आराम छड्ड के उन्हां नूं जेलां च क्यों जाणा पिया सवाल इत्थे खड़ा है जदों आपां इह गल कहिंदे आ बंदी सिंह रिहा करो पर उस तों पहलां इह गल सोचणी चाहीदी है जिस कारण करके जिस मकसद करके बंदी सिंह अंदर गए ने कि वह मकसद पूरा हो गया जे नहीं होया धर्म युद्ध मोर्चे दे विच आनंदपुर दे मते दी गल होई है फैडरल ढांचे दी गल होई है उस आनंदपुर दे मते दे खिलाफ हिंदुस्तान दी हुकूमत इस देश दी बहुगिणती ने नूं वक्खवादी मता किया इस करके इन्होंने रैलियां कीतियां रैलियां कर करके सरकार नूं इह गल आखी कि तुसीं पंजाब च फौज भेजो पंजाब दे विच फौज चाड़ के दरबार साहिब दे उत्ते अतवादियां दा खात्मा करो इह गल इह कहिंदे रहे रैलियां कढ कढ के सो जिहड़े सानूं अतवादी कहिंदे सन जिन्हां ने साडे तख्त दे उत्ते टैंकां चाड़ के तोपां चाड़ के उत्थे छोटे छोटे बच्चे शहीद करके साडे सिर ते भाजी चाढ़ी है जिन्हां दिल्ली दे विच सिखां दा कतलेआम कीता सिखो एक गल समझ लीए जिन्होंने दिल्ली दी सड़कां ते साडियां धीआं भैणां दी बेइज्जती कीती जिन्होंने साडा कतलेआम कीता जे उन्हां कोलों कहिंदे आ वी बंदी सिंह रिहा कर दिओ उन्हां नहीं करने इह ध्यान नाल खोलो जगारे नाल छड्डो हले सो सवाल इत्थे आण के खड़ा वी असीं अज इत्थे इकट्ठे होए आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेअदबी ते बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते पर एक गल अपने आप नूं पुछ के वेखो भी जे ना साडे ते जुल्म हुंदा ना साडे बंदियां नूं जिहड़े नौकरियां ते लगे सन की गल शांति रखो भी शांति कोई गल नहीं ते जे ना साडे बंदियां नूं हथियार चुकणे ना ਬਿਆਨਤਾ ਬੁੱਚੜ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਕੋ ਕੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸੋਧਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ